नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है रिलायंस पावर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है, काफी दिनों से हमें लगातार गिरावट के बाद आज हमें अगेन इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। हालांकि इनके रिजल्ट खराब आए हैं, उसके बावजूद हमें इसमें आज तेजी देखने को मिली है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि जो ये आज तेजी आई है, तो क्या ये ऑपरेटर का गेम चल रहा है या सही में इसमें हमें अगेन अपर सर्किट दोबारा से देखने को मिलने वाले हैं। ये शेयर हमें फिर से अगेन क्या फिर से दोबारा रॉकेट बनते हुए देखने को मिल सकता है। और जो लोग भी इस शेयर में अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो लोग अपने इसमें अब नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, और जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वो लोग कौन से लेवल पे अपने इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्या अभी सही मौका इसमें निवेश करने का है या आपको इसमें अभी दूर रहना है इस कंपनी से, सारी बातें आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप जाकर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में इंट्राडे ट्रेड, BTST स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप जो है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, या आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो ये सारी सुविधा आपको मिलती है इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको ₹1 का भी चार्ज पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, और सारी सुविधा आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है इस ग्रुप में। तो आप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर आप क्लिक करें, और बॉक्स की लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे इस ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी सुविधा का बिल्कुल फ्री में फायदा उठा सकते हैं। तो आप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कीजिए, ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी बॉक्स में पड़ी है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये कैसे कि हमें ट्रेड देखने को मिली है रिलायंस पावर में आज के दिन। अगर आप इसका आज का हाल देखें तो हमें ओपनिंग जो है ₹11.95 पर देखने को मिली थी, और ओपनिंग बाद देखिए क्या हुआ, इसमें काफी अच्छी रेंज आई, और देखिए मार्केट बंद होते होते हमें इसमें अपर सर्किट के साथ ही आज क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट देखिए 4.62% की हमें आज तेजी देखने को मिली है, और अब ये शेयर देखिए लगभग ₹12.45 पर पहुंच चुका है। बात करें वन वीक में, तो वन वीक में इसमें देखिए 6.74% की गिरावट, और वन मंथ में लगभग देखिए तो लगभग 13.5% की गिरावट हमें अभी तक देखने को मिल चुकी है। अगर आपको बताओ कि क्वार्टर फोर के इनके रिजल्ट भी आए थे, और क्वार्टर फोर में इन्होंने बहुत बड़ा कर्जा किया था, लगभग 550 करोड़ का इनका लॉस था इस क्वार्टर में। उस लॉस के बावजूद हमें इसमें देखिए अगेन गिरावट होने के बाद देखिए एक दिन गिरावट आई थी, और गिरावट का क्या हुआ, आज अगेन हमें इसमें तेजी देखने को मिली है। देखिए तो ये एक ट्रैप है बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि देखिए अगर इसमें वाकई में तेजी आना होती तो देखिए अगले दिन तेजी आ जाती रिजल्ट की, लेकिन ये जो है बड़ा बहुत बड़ा गेम चल रहा है, तो इसमें अंधा जो है बिल्कुल बाइंग ना कर ले कि हाँ अब तो तेजी आने वाली, बाइंग कर ले अभी, बिल्कुल कंफर्मेशन मिल दीजिए कि हाँ कंफर्म हो गया कि आप तेजी आने वाली है, तभी आप इसमें बाइंग करेंगे। अभी आपको गलती से भी एक भी शेयर की बाइंग नहीं करनी है, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि अभी देखिए बिल्कुल भी अभी देखिए रिजल्ट इनके अनाउंस हुए हैं अभी अभी, और देखिए बिल्कुल भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है कि हाँ अब इसमें तेजी आ सकती है। तो अभी थोड़ा सा वेट करें सही अपॉर्चुनिटी का, आपको मौका मिलेगा इसमें एंट्री लेने का, लेकिन अभी एंट्री मत लें जब तक कि बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए कि हाँ इसमें हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी बात करते हैं लेवल्स की, और आज के वॉल्यूम कैसे रहे, तो देखिए अगर आपका वॉल्यूम देखें तो 1,63,46,984 शेयरों का हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला है, और साथ में देखिए तो 44% शेयरों की हमें डिलीवरी भी देखने को मिली है, और लगभग देखिए तो 15,73,818 शेयरों का हमें इसमें बाइंग सेट ऑर्डर भी अभी देखने को मिल रहा है। मतलब कि इसमें चांसेस जो बन रहे हैं वो तेजी के बन रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा ट्रैप भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी ना करें कि हाँ आपने बिल्कुल बाइंग कर ली, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा एक दो दिन फिर जाके आप इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं लेवल्स कौन से इसमें इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पर आपको फोकस करना है। देखिए आपका जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो आपका ₹12.45 का है, क्योंकि आपका ये जो ये लेवल है काफी इंपॉर्टेंट अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा था। और देखिए आपने ये देखा होगा कि आपका ये जो लेवल था यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और वो देखिए छठवीं बार जो है ये ऑलमोस्ट हमें सपोर्ट देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर इस शेयर को ऊपर चलना है तो ये जो आपका शेयर है ₹12.45 पर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है तो आपका ये जो शेयर है ऑलमोस्ट ₹11 के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका ये जो शेयर है ₹12.45 के ऊपर आ जाता है, क्या करता है, इसके ऊपर आ जाता है और इस पर सस्टेन करता है, मतलब इस पर सस्टेन क्या करता है, मतलब कि इसके ऊपर नीचे करता है, मतलब कि छोटी सी रेंज बना के आपको कंसोलिडेशन का फेज देखा है, तो आप इसमें फिर अपनी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ये जो शेयर है ₹12.45 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाता है, इस पर सस्टेन ना करे, इस पर रोके ना, तो आप गलती से भी अपनी बाइंग इसमें नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ कौन सा है, ₹12.45, इस पर सस्टेन करने दीजिए। जब ये सस्टेन कर जाए तब जाके आप अपनी इसमें एंट्री ले सकते हैं, वरना आपको एंट्री इसमें नहीं लेनी है। अभी आपका ये जो शेयर है जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल लेवल पर है, और क्रूशल लेवल पर होने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। खतरे में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है,
थोड़ा सा वेट करें अपॉर्चुनिटी का, आपको मौका बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको मौका नहीं मिलेगा। जब सही मौका मिले तभी हम एंट्री लेंगे, अभी एंट्री का सही समय नहीं है। पहले इसको कंफर्मेशन मिल दीजिए कि हाँ ये जो शेयर है अपना 12.45 रुपए पर सस्टेन कर गया है। अगर सस्टेन करता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, सस्टेन ना करें यहाँ से रेजिस्टेंस ले तो ये जो शेयर आपका 11 रुपीज़ के लेवल तक आपका आता हुआ फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभी बाइंग ना करें, वेट करें बाइंग का। और जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं ब्रेक इवन पे हैं या जो है आपका प्रॉफिट है, तो आप जो है अभी टेम्प्रेरी बेस में अपना रिस्क अपना मैनेज कर लें या फिर आप इससे अभी टेम्प्रेरी बेस पे निकल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, टेम्प्रेरी बेस पे आप निकल सकते हैं, लेकिन जिनका लॉस है वो लोग इसको होल्ड कर लें। जिनका भी क्या है बड़ा लॉस हो रखा है, मान लीजिए आपने बाइंग काफ़ी ऊपर कर ली थी, मान लीजिए आपने 15 रुपये पर 16 रुपये पर बाइंग कर ली थी, तो आप इसको ऊपर होल्ड कर लें, आपको जितना भी लॉस है वो रिकवरी आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको टाइम देना पड़ सकता है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास सबर है, तो आप इसको होल्ड कर लें, आपका जितना भी लॉस है उसकी रिकवरी आपकी बिल्कुल हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है, 2-3 महीने का आपको टाइम देना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आपको उतना और भी जल्दी हो जाए। ठीक है, बाकी इसको जो भी लॉस वाले हैं वो उसको होल्ड कर लेंगे, जिनको बाय करना है बाय के थोड़ा वेट कर लें, 12.45 रुपए परसिस्टेंट करना दीजिए। और जिन लोगों को अभी इसमें प्रॉफिट है या फिर ब्रेक इवन पे, वो क्या करें अपना रिस्क को मैनेज कर लें, या फिर आप इसमें अभी टेम्प्रेरी बेस पे निकल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो लेवल है 11 रुपीज़ सपोर्ट का लेवल है, और 12.45 रुपए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का अभी काम करने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है ऊपर तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो आप एंट्री गलती से भी नहीं लेंगे, फिर आपका सपोर्ट 11 रुपीज़ का काम करने वाला है। ठीक है, आपके जो मेन टारगेट आगे कौन से हैं, वो आपके 12.40 रुपए हमारा अचीव हो गया आज के दिन। आपके आगे के टारगेट जो है वो 13.40 रुपए, 14.80 रुपए, 15.80 रुपए और 17.60 रुपए के रहने वाले हैं। ये आपके आगे के 4-5 टारगेट रहेंगे। ठीक है, सपोर्ट आपके ऑलरेडी मैंने बता दिया कहाँ पर, 11 रुपीज़ पर और 12.40 रुपए पर रहेगा। ठीक है, बाकी कंपनी लॉस में आई है, बहुत ज़्यादा कर्जे में है इस क्वार्टर में, और आगे भी कंपनी देखिए कंपनी की हालत जो है काफ़ी अच्छी नहीं है, कंपनी जो है काफ़ी बड़े कर्जे से गुजर रही है। ठीक है, अगर कंपनी को सस्टेन करना है, कंपनी का जो काम है काफ़ी अच्छा है, पावर सेक्टर का काम है, और पावर सेक्टर की आगे बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। ये बात तो बिल्कुल होता है कि कंपनी सुधर सकती है, लेकिन सुधारने के लिए कंपनी को अपना कर्जा चुकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल कंपनी के लिए समय में आ रहा है। ठीक है, बाकी इसमें कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें लॉन्ग टर्म में, यानी कि आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगा दें, कुछ ही पैसा अपनी कट लगा लगा दें, मतलब कि आपका पास मान लीजिए 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख का 5%, 4% उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, कुछ ही पैसा लगाएं, लेकिन बाकी पैसा आप जो है अपने अच्छी कंपनी में लगाएं, कुछ ही पैसा इसमें आपको निवेश करना है, और वही लोग पैसा लगाएं जिनका रिस्क काफ़ी अच्छा है, जिनकी कैपिटल काफ़ी अच्छी है, जिनकी कैपिटल कम है, रिस्क कम है, वो लोग इस कंपनी से दूरी बनाकर रखें, उनको बिल्कुल भी अपना पैसा इसमें नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी यहीं तक तो वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से अपना प्यार आपको बना रखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस के सर लेते हुए निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।